योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो है गैस गीजर पर आधारित। दोस्तों इस विषय पर मैं पहले भी कहीं वीडियो बना चुका हूं। आप जो तस्वीर में सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह है ओपन फ्लो टाइप गैस गीजर। और दोस्तों इसी का इस्तेमाल लगभग हमारे भारत देश में होता है और लगभग जो हादसे होते हैं दोस्तों वो इसी ओपन फ्लो टाइप गैस गीजर के कारण होते हैं, वो भी सिर्फ अधूरी जानकारी के कारण। दोस्तों जो ये गैस गीजर है यह बाथरूम में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना है, लेकिन हम फिर भी शायद यह जानते हैं शायद ना जानते हैं, हम इसका इस्तेमाल बाथरूम के अंदर करते हैं और हजारों लाखों व्यक्ति इसके हादसे का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि जो इसकी जो प्रतिक्रिया है बहुत ही साइलेंट है, इसमें व्यक्ति को पता नहीं चल पाता कि वो किसी हादसे का शिकार होने जा रहा है और वो बिल्कुल आराम से मौत के आगोश में समा जाता है। दोस्तों इस विषय पर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक डाल दिए हैं। लेकिन आज का जो विषय, जो ये दोबारा वीडियो बनाने की जो कोशिश है वो इसीलिए है ताकि यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो गैस गीजर का इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सा गैस गीजर आप बाथरूम में लगा सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। इस विषय पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह विषय इसलिए मैंने आज चुना क्योंकि आज भी मैं हफ्ते महीने में ऐसी खबर सुन लेता हूं न्यूज़ के द्वारा, अखबारों के द्वारा, कि ऐसे हादसे से किसी व्यक्ति की जान चली गई। दोस्तों बहुत ही दुखद हादसा होता है ये, सिर्फ अधूरी जानकारी कारण। मैं आज सभी टेक्नीशियन से यह भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों जब भी आप गैस गीजर का इंस्टॉलेशन करने जाएँ किसी भी कस्टमर के घर, तो आप उसको यह पूरी जानकारी उपलब्ध कराएँ कि अगर आप इसको बाथरूम में लगवाएंगे तो इससे यह हादसा होने के चांस बढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप गैस गीजर को बाथरूम से बाहर ही लगवाएं तो अच्छा रहेगा। फिर भी कस्टमर ना माने तो उसके बाथरूम का स्पेस देखिए कि वेंटिलेशन कितना है, हवा आने जाने का स्थान पर्याप्त है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं शायद कुछ ज़्यादा सहन कर पाऊँ या मैं कुछ कम सहन कर पाऊँ किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में, तो यह कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं होता। शायद आपको कुछ ना होता हो कि दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपके घर आया है, शायद वो हादसे का शिकार हो जाए। तो दोस्तों इस विषय को गंभीरता से लें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच जाए जो ओपन फ्लो टाइप गैस का इस्तेमाल करता है या करने जा रहा है। दोस्तों यह जो गैस गीजर होता है यह LPG पर चलता है और जहाँ भी आग जलेगी वहाँ पर कार्बन गैस का उत्सर्जन होगा LPG के द्वारा। उस वजह से हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और हम नीम बेहोशी होकर गिर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके बाथरूम में पर्याप्त वेंटिलेशन है, हवा आने का और जनक स्थान है, तो यह लिमिटेशन कुछ कम हो सकती है, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि बाथरूम से बाहरी गैस गीजर को लगाएं। उसके अन्य विकल्प हैं कि आप पाइपिंग लंबी कर सकते हैं जिनके द्वारा आप इस हादसे से बच सकते हैं। अगर आप फिर भी मजबूर हैं तो आप अपनी पानी की बाल्टी को पहले भर लीजिए बाथरूम में अंदर घुसने से पहले। अगर आपको एक बाल्टी नहीं तो दो बाल्टी भर के रख लीजिए, लेकिन बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा। इस गैस गीजर जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ओपन फ्लो टाइप का, क्योंकि दोस्तों यह जब आग जलेगी तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगी और ऑक्सीजन जब जलेगी किसी एक निश्चित स्थान में ऑक्सीजन का यूज़ होगा तो वो हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जल्दी से ख़त्म हो जाती है और ऑक्सीजन की जो इनपुट है वो काफ़ी नहीं है, कम मात्रा में, तो हम वहाँ पर नीम बेहोश हो जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। अभी जो ये गैस गीजर आप दूसरा देख रहे हैं, ये दूसरी स्लाइड है, यह एग्जॉस्ट फोर्स टाइप फैन गैस गीजर है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है वो यह फोर्स के द्वारा बाहर इस पाइप के द्वारा फेंक देता है। लेकिन इसमें भी आप पूरी तरह से सिक्योर नहीं हैं, इसके लिए भी आपके बाथरूम में हवा आने का एक स्थान चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन की जरूरत आग जलने के लिए पड़ेगी वो उसे मिलती रहे और आपको भी मिलती रहे। ये भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादातर बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे तो शायद इसमें भी आपके हादसे का शिकार होने का कारण बन जाए। तो दोस्तों यह भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। अभी आप जो आगे देख रहे हैं ये जो गैस गीजर है ये पूरी तरह से सिक्योर होता है। इसके लिए आपको बाथरूम में हवा आने का स्थान है या नहीं है तो भी आप इस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हवा आने के लिए इनलेट अलग से बनी हुई है और आउटलेट अलग से बनी हुई है। इसमें दो पाइपों का इस्तेमाल होता है, एक हवा आने के लिए होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जाने का स्थान होता है जो बाथरूम से बाहर फेंक दी जाती है। पिछले वाले में भी
ऐसे ही बाथरूम से बाहर पाइप दी जाती है जिससे वो गैस बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ओपन फ्लो टाइप गैस की जगह इस्तेमाल आपको बाथरूम में नहीं करना है, ये आपको जानना है। जो लास्ट वाला जो तीसरे नंबर का है उसको ही आप बाथरूम में लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत काफ़ी कॉस्टली होता है जो हमारी रेंज से लगभग कभी कभी बाहर होता है, इसलिए हम पहले वाला गैस का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप इसे आउटडोर में ही लगाएं। जो पहले वाला गैस गीजर है ओपन फ्लो टाइप, आप चित्र निशान दे सकते हैं, इसे आप बाहर ही लगाएं तो बेहतर रहेगा दोस्तों, क्योंकि जान है तो जान है, हमें कभी भी अपने ऊपर तजुर्बा नहीं करना चाहिए। और सभी टेक्नीशियन से गुजारिश है कि आप जब भी गैस गीजर इंस्टॉलेशन करें तो आप कस्टमर को बताएं कि ये जो गैस गीजर है ओपन फ्लो टाइप, ये बाथरूम में नहीं लग सकता, इसके ये कारण हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो जैसे शेयर करना ताकि हर उस व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच जाए जो गैस गीजर का इस्तेमाल करता है ओपन फ्लो टाइप का। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही लाभदायक ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।